सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, एक मैं कार्डिगन बना रही हूँ, ये करीब एक साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सा ये कार्डिगन बनेगा। ये इसकी मैंने बैक साइड रेडी कर ली है। देखिए, इसमें जो मैंने बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं अगला पार्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं ये बॉर्डर आपको बनाकर दिखाऊंगी। तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधे का ये है, और उल्टी सिलाई पर पूरा उल्टा बनेगा। बहुत ईजी और बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। और सीधी सिलाई पर ये मैंने कलर चेंज किए हैं। सीधी सिलाई पर कलर चेंज करने के बाद टोटल 16 रो में ये एक डिज़ाइन रेडी हुआ है। फिर सीधी पर चेंज करो, फिर 16 सिलाई ये बनानी है, उल्टी और सीधी, टोटल 16 सिलाई। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। और 70 फंदे मैंने ये इस बॉर्डर में रखे हैं, और सिर्फ ऊपर को मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। और 10 नंबर की सिलाई से ये बॉर्डर बनाया है मैंने, पूरा ही 10 नंबर की सिलाई से ये बुनाई किया है। तो देखिए, मैंने 70 फंदे डाल लिए हैं। देखिए, पहले हम दो फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। पूरी रॉ नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि पूरी रॉ में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, पहला फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे। राइट साइड है, फर्स्ट रॉ है। अब देखिए गाइस, उनको पीछे पहुँचाएंगे और ये हम सीधा फंदा बुन देंगे। फिर से ऊन आगे लाएंगे अपने सामने, फिर हम अब तीन फंदे बुनेंगे। सिर्फ स्टार्ट में मैंने दो फंदे बुने हैं। देखिए, 1, 2, 3। तो ये मैंने 3 फंदे उल्टे बुन दिए, फिर उनको पीछे पहुँचाया, फिर एक फंदा सीधा। फिर से ऊन वापस लाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर उन पीछे पहुंचाया, एक फंदा सीधा। लास्ट तक इसी तरह से बुन कर लाती हूँ। देखिए गाइज, अब हम लास्ट में आ गए हैं। ये फंदा 3 उल्टे बुनने के बाद सीधा बुनेंगे, फिर से उनको आगे लाएंगे, फिर से हमारे 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। फर्स्ट फंदे को हम बिना बुना निकाल लेंगे, बस पूरा उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। आप इस पर कुछ नहीं करना है, आपने हर उल्टी सिलाई पर सीधी सिलाई पर सेम फर्स्ट रो की तरह से आप बनाएंगे। स्टार्ट में 2 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा, बस सेम तरीके से आप इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा दूंगी कि हमें कितना, हमने ये बॉर्डर की लंबाई कितनी रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, और वीडियो पूरी देखें, तभी आप समझ पाएंगे डिज़ाइन को। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए गाइज, अब मैं आपको ये डिज़ाइन का, किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा ये दिखाऊंगी। बॉर्डर का मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब हमें ये डिज़ाइन का बनाना है कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, कितनी रॉ में बनेगा। और इस कार्डिगन के मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में दूंगी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। देखिए, उल्टी सिलाई पर हमें इसमें कलर चेंज करना होगा। जब आप अपने आप बॉर्डर रेडी कर लेंगे तो आप उल्टी सिलाई में बॉर्डर को चेंज करेंगे। दोनों कलर पर आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मैंने 2 कलर में ये बनाया है। देखिएगा, पूरी रॉ हमारी ये उल्टी कंप्लीट होगी। और एक कलर जो हम चेंज कर रहे हैं
उसी से ये रो कंप्लीट कर देनी है। सीधी सिलाई से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस कलर की ये फर्स्ट रो है, देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी सेकंड रो आएगी जो हमारी राइट साइड होगी, सीधी सिलाई होगी। देखिए गाइस, इसमें फर्स्ट फंदा तो हम बिना बुना निकालेंगे, उनको अपने सामने लेंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे कि दो फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर से उनको पीछे पहुंचाकर एक फंदा सीधा बनाया, फिर से उनको आगे लिया, फिर दो फंदे उल्टे, फिर उन पीछे पहुंचाए, फिर से एक फंदा सीधा, फिर उन आगे ली, फिर से दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर उन पीछे पहुंचाकर एक फंदा सीधा। रो नंबर टू हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी, दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुनते चले जाएंगे। बहुत आसान डिजाइन है, बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हैं। तो पूरी ये रो नंबर टू हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी, दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो देखिए गाइस, हमारी रो नंबर टू कंप्लीट होने वाली है। लास्ट का एक फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा बचा है हमारा, ये हमारा उल्टा बनेगा। अब देखिए हमारी रो नंबर थ्री आई है और उल्टी सिलाई है। तो जिस फंदे को हमने, देखिए पहला फंदा तो हमने ये उल्टा बना दिया था, तो इसको तो हम पहले फंदे को बिना बुना निकालेंगे, और जो फंदा हमने सीधा बुना है सीधी सिलाई पर उसको तो उल्टा बुनेंगे, जो दो फंदे हम उल्टे बुन रहे थे उनको उन आगे पहुंचाकर सीधा बुनेंगे। देखिए अलग ही दिखाई देने लगेंगे सीधे फंदे, फिर से उनको वापस लिया, एक फंदा उल्टा, जो हमने सीधी सिलाई पर सीधा बुना था उल्टी सिलाई पर उल्टा बुनेंगे, और जो दो फंदे हम उल्टे बुन रहे थे उन पर हम ये सीधा बुनेंगे। ये थर्ड रो है, थर्ड रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। जो फंदे हमने उल्टे बनाए हैं उनको सीधा बुनेंगे उल्टी सिलाई पर, और जो सीधा बुना था उसको हम उल्टा बुनेंगे। पूरी हमें रो नंबर थ्री इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए रो नंबर थ्री हमारी कंप्लीट हुई, ये लास्ट का फंदा हमारा उल्टा ही बनेगा। अब रो नंबर हमारी फोर आई है और सीधी सिलाई है। तो पहला फंदा तो हम बिना बुना निकालेंगे और उनको आगे लाकर पहले हम ये दो फंदे उल्टे बुन देंगे। अब देखिए गाइस, ये जो सीधा फंदा हम बुन रहे हैं इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये है एक यहाँ पर है, दो फंदे हैं ये। तो हम पहले फर्स्ट फंदे से, देखिए गाइज ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस फर्स्ट फंदे में हम यहाँ पर सिलाई लेंगे और ये देखिए फंदा ये निकाला, अब इसी पर से फिर से लपेट देंगे उनको, फिर अब दूसरा जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें सिलाई डालकर एक फंदा यहाँ से निकालेंगे, फिर एक फंदा हम इस तरह से लपेट देंगे, फिर इस फंदे को जो मेन फंदा है इसको बुनाई कर देंगे, और निकालने के बाद फिर से उनको इस तरह से लपेट कर लाएंगे कि ऊन आगे आ जाए, जिससे हमारे दो फंदे ये उल्टे भी बुनाई हो जाए। अब देखिए उनको फिर से पीछे पहुंचाया, फिर सेम तरीके से बनाएंगे, एक फंदा नीचे से निकालेंगे, फिर से उनको लपेटा, फिर दूसरे फंदे से निकालेंगे, फिर से उनको लपेटेंगे, फिर मेन फंदा बुन देंगे, और इसको निकालने के बाद एक बार फिर से इस तरह से लपेट देंगे। तो ये हमारे फिर से दो फंदे उल्टे बनेंगे। उनको फिर पीछे पहुंचाया, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नीचे की साइड से सिलाई को डालेंगे, फिर से एक बार लपेटेंगे, फिर दूसरा ऊपर वाले में डालेंगे, फिर से निकाला, फिर एक बार लपेटा, फिर ये मेन फंदा हमने बुन दिया, फिर उनको इस तरह से लपेटेंगे। सेम तरीके से ये हमारे लास्ट तक फंदे बुने जाएंगे। देखिए गाइस, ये रो कंप्लीट हो गई, रो नंबर फोर। अब रो नंबर फाइव आई है और उल्टी सिलाई है। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम बिना बुना निकालेंगे। अब देखिए ये जो स्टार्ट में ही आ रहा है,
ये फंदा जो हमने लपेटा था इसे नीचे स्लिप किया, इससे अगले फंदे को सिलाई में लेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे इससे अगले वाले को जो लपेटा था, फिर जो बुना है फंदा इसको ले लेंगे, फिर ये एक फंदा और है इसको स्लिप कर देंगे, और लास्ट का जो फंदा बुना था उसे ले लेंगे। तो ये तीन फंदे हमारे, देखिएगा तीन फंदे हो गए। अब उनको आगे पहुंचाकर दो फंदों को पहले हम ये 1 2 सीधा बुना, फिर से उनको वापस लाएंगे पीछे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है हमारा, इसको नीचे गिराया स्लिप किया, एक फंदा इधर ले लेंगे, फिर एक फंदा इसमें से हम स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा ले लेंगे, फिर एक स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदा ले लेंगे। तो तीन फंदे हो गए ये 6 से। अब दो फंदों को आगे ऊन पहुंचाकर सीधा बुन देंगे। अब देखिए फिर से उनको पीछे लेकर आए, जो फर्स्ट है ये लपेटा हुआ फंदा इसको नीचे गिराएंगे, नेक्स्ट को सिलाई में लेंगे, फिर इस फंदे को नीचे गिराएंगे, नेक्स्ट को सिलाई में लेंगे, फिर एक फंदा नीचे गिरा देंगे, फिर इसको सिलाई में लेंगे। तीन फंदे हो गए, उनको आगे पहुंचाएंगे और ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस सिलाई पर हमें बस यही करना है, रो नंबर 5 पर फिर से इस फंदे को नीचे गिराया, एक फंदा सिलाई में लिया, अगले को नीचे गिराया, फिर से सिलाई में लिया, ये फंदा देखिए यहाँ पर स्लिप किया, इस फंदे को सिलाई में लिया, फिर दो फंदे हम नेक्स्ट सीधे बुन देंगे। देखिए गाइस, उनको पीछे लिया, ये फंदा स्लिप किया, अगला सिलाई में लिया, फिर से दूसरा स्लिप किया, इसको सिलाई में लिया, फिर से स्लिप किया, लास्ट को सिलाई में लिया। तीन फंदे बचे, दो फंदे लास्ट के हमारे सीधे हैं और एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे। रो नंबर 5 कंप्लीट हुई, 6 अब ये लास्ट रो आई है 6। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, उनको आगे लिया, दो फंदे पहले हम ये उल्टे बनाएंगे, फिर से उन पीछे पहुंचाएंगे। अब इन तीनों फंदों को पीछे की साइड से, देखिए यहां से पीछे की साइड से तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे, ऊन आगे लाएंगे और दो फंदे हमारे ये उल्टे बनेंगे, फिर से तीनों फंदों को पीछे की साइड से सीधा बुन देंगे, फिर दो फंदे ऊन आगे लाकर उल्टे बना देंगे, फिर से तीनों फंदों में सिलाई पीछे की साइड से लेकर बुन देंगे, तीन फंदों का फिर से एक हो गया, फिर दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। तो सेम तरीके से हमें ये पूरी रॉ को 6, रॉ नंबर 6 को कंप्लीट करना है, और रॉ नंबर 7 पर फिर से आपने कलर चेंज कर देना है, और सेम तरीके से आपने इन रॉ को दोहराना है। देखिए रॉ नंबर 6 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बस आप इन्हीं रॉ को रिपीट करते जाइए, अब उल्टी सिलाई पर कलर चेंज कर देना है। बस 6 रॉ का ये हमारा 6 रॉ का डिजाइन था, ये कंप्लीट हुआ। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप वीडियो को भी शेयर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मुंडे घटाना बताऊंगी कि किस तरह से हमें मुंडे घटाने हैं और आगे का प्रोसीजर क्या है, तो मेरी वीडियो देखना ना भूलें। और आपने इस पूरी वीडियो को देखना है तभी आपको ये डिजाइन समझ में सब आ पाएगा इस कार्डिगन का, क्योंकि मैं आपको ये फुल वीडियो दूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।